हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरजीत और हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज G24 में आपका स्वागत है। तो आप जैसा कि देखिए थंबनेल पे देखे होंगे कि 25-25 नंबर सभी स्टूडेंट को बोनस मिलने वाला है। तो ये आपको देखने के साथ ही आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि यहाँ पे कैसे 25 नंबर बोनस मिल सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम ये सारे डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल ये जितने भी थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं एग्जैक्ट सही है, ये 100% सही है। अभी आप लोग लाइव देख सकते हैं कि किस रीजन से हम वहाँ पे लिखे हुए हैं वहाँ पे, और जितने भी आप लोग थंबनेल पे देखे हैं जैसे कि कट ऑफ हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं 25-25 नंबर बोनस मिलने वाला है, रिजल्ट डेट, मार्क्स, जितना भी चीज है सारा चीज हम आपको अभी यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो ये समझने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे जिससे कि आपको सारे डिटेल्स अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसका नॉर्मलाइजेशन मेथड, जैसे ही आप लोग ICAR टेक्नीशियन का नॉर्मलाइजेशन मेथड आपको समझ में आएगा, आप खुद जितने भी थंबनेल में लिखे हुए सारे डिटेल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसका नॉर्मलाइजेशन मेथड जान लेते हैं। इससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हम देखिए इतना रात भर जग जग के इतने सारे डाटा यहाँ पे स्टोर किए हैं, उसके बाद आप सबके बीच रखे हुए हैं। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त को भी कुछ न कुछ हेल्प मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। तो अब देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे लिखे हुए नॉर्मलाइजेशन मेथड, तो इसका देखिए ICAR के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है वो बिल्कुल ये दिया गया, आप लोग देख सकते हैं xn = s2/s1 जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद x - xav + yav। तो देखिए अभी आपको ये फॉर्मूला जो लिखे हुए ये बिल्कुल समझ में नहीं आता होगा क्योंकि इसको हम अभी डिटेल्स में बताने वाले हैं। और आप लोग क्या करिए कि देखिए ये हम जो बता रहे हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल जो वेबसाइट पे इनका दिया हुआ है उसको हम बता रहे हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देता होगा। वहां पर बिल्कुल ये लिखा हुआ है s2/s1 क्या है, x - xav क्या है। तो बिल्कुल आप लोग वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में जो देखिए हम इम्पोर्टेंट चीज जो बताने वाले हैं वो देखिए ICAR टेक्नीशियन के द्वारा डायरेक्ट कहा गया है कि सबसे पहले ये क्या करेंगे कि नंबर ऑफ शिफ्ट्स फाइंड करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शिफ्ट्स जो कि आप लोग देख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, मान रहे हैं कि 24 यहाँ पे शिफ्ट में एग्जाम लिया गया, ऐसे तो बहुत सारे शिफ्ट में लिए गए हैं लेकिन हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 24 शिफ्ट में लिए गए एग्जाम्स। अब देखिए इनका साफ साफ ये कहना है कि 24 शिफ्ट में लिए गए हैं, कोई भी एक ऐसा शिफ्ट जिसमें हाइएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं इनमें से कोई भी एक शिफ्ट है जिनमें से किन्हीं एक स्टूडेंट को, ठीक है, 136 नंबर या 126 नंबर आ गया, ठीक है, ये मान लिए। अब जो सेकेंड इससे जो दूसरा शिफ्ट है उसमें किसी शिफ्ट में क्या हो रहा है कि बच्चे को 119 आ रहा है, तो किसी में क्या हो रहा है कि 122 आ रहा है, किसी में क्या हो रहा है कि 75 आ रहा है। तो इनका ICAR के द्वारा साफ साफ कहना है कि जिनका जो 126 मार्क्स है ये सभी स्टूडेंट को यहाँ पे 126 मार्क्स बनाना है। अब कैसे बनाना है ये उनपे मैटर करता है कैसे वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। ये तो फर्स्ट हो गया रूल। अब सेकेंड देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब जैसे मान लेते हैं कि एक शिफ्ट में किसी एक स्टूडेंट को यहाँ पे 136 मार्क्स आ गए, ठीक है, और जो और सारा शिफ्ट जो है, ठीक है, उसमें सभी स्टूडेंट को क्या आ रहा है कि मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आ रहा है यहाँ पे 78 आ रहा है, किसी को 62 आ रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो ICAR के द्वारा ये बोला गया है कि देखिए अलग अलग शिफ्ट में जैसे एग्जाम लिया गया तो किसी शिफ्ट में हो सकता है बहुत हार्ड क्वेश्चन आए होंगे और किसी शिफ्ट में बहुत सारा बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आए होंगे, ये आप उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वो क्या कहेंगे कि 78 को, ठीक है, 136 के कंपेरिजन में मार्क्स बढ़ाएंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितने मार्क्स यहाँ पे आपका इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। जिनको बहुत कम मार्क्स है, देखिए हम कट ऑफ से रिलेटेड हम पहले से ही एक वीडियो बना चुके हैं जो कि आप लोग देख लीजिए, एग्जैक्ट कट ऑफ अगर उतना नहीं मिला तो बिल्कुल मेरे चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम देखिए कोई भी वीडियो बनाते हैं उनके बारे में पहले डिटेल्स में जानते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट से, उसके बाद ही हम वीडियो लाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक चैनल का हर एक यूट्यूबर का अपना एक रेपुटेशन बनाना भी होता है, तो इस कारण से आप लोग समझ सकते हैं इधर जो NFL के बारे में हम वीडियो बनाए थे उनमें 100% मेरा सारा चीज मैच कर गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं, जो स्टूडेंट के द्वारा कमेंट आया है वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पे आपको उम्मीद है कि यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन का रूल लिखे हुए बिल्कुल समझ में आ गया। इससे साफ क्लियर है कि यहाँ पे 25-25 नंबर बोनस मिलने वाला है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। क्योंकि देखिए जो शिफ्ट वाइज हम एनालिसिस जो किए हुए हैं, आप लोग क्या करिए कि अपना मार्क्स और शिफ्ट जो आपका था वो जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। इससे क्या हो कि मुझे क्लियर हो जाए कि किस प्रकार किस शिफ्ट में मार्क्स बढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये 25 नंबर जो बढ़ना है ये डिपेंड करता है शिफ्ट पे भी। किसी शिफ्ट में 25-25 नंबर बढ़ेंगे, किसी शिफ्ट में 15-15 नंबर बढ़ेंगे, और किसी शिफ्ट में क्या होगा कि इससे ज्यादा नंबर भी बढ़ सकते हैं। वो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें डिपेंड करता है जो जिनको किन्हीं एक शिफ्ट में सबसे हाईएस्ट नंबर है उनके कंपैरिजन में जितने भी शिफ्ट हैं सभी को इक्विवेलेंट करना रहता है। यही ICAR टेक्निशियन का रूल है नॉर्मलाइजेशन का। तो इसमें अगर प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो प्रीवियस ईयर में देखिए 25-25 नंबर स्टूडेंट का बढ़ा था, मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, तो इसलिए हम 25-25 नंबर ही लेते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे को क्या होता है कि इससे कम भी बढ़ता है, किसी को 12-15 नंबर भी बढ़ता है, किसी को 35 नंबर तक भी बढ़ जाता है, ठीक है, 35-30 नंबर तक बढ़ जाता है। तो इसलिए हम मैक्सिमम नहीं लेते हैं, जो एवरेज में है जितना बढ़ाया जाता है मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट का वो हम यहाँ पे लिए हुए हैं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जिनका भी कम कट ऑफ है इनका कट ऑफ डीबी के लिए बहुत कम लेता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रीवियस कट ऑफ और आफ्टर कट ऑफ के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उनमें जाके आप लोग बिल्कुल मैच करवा लीजिए। और जैसे ही आपका अगर उनमें मैच हो रहा है तो जरूर डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट वही रहने वाला है। अब हम देखिए बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट को लेकर, ठीक है, और मार्क्स आउट डेट को लेकर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्क्स आउट डेट को लेकर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो देखिए जैसे ही आप लोग जो यहाँ पे चैलेंज का जो विंडो ओपन हुआ था, जैसे ही चैलेंज का विंडो क्लोज होगा उसके 10 से 12 दिन के अंदर बिल्कुल यहाँ पे ICAR टेक्निशियन मार्क्स आउट कर देता है, जो कि 10 से 12 दिन तक होने वाला है। क्या हुआ कि इस बार जो स्टूडेंट है बहुत ज्यादा एग्जाम दिए हैं, ठीक है, करीबन 10 लाख बच्चे एग्जाम दिए, जिसके कारण से उनको थोड़ा सा यहाँ पे लेट लग रहा है, नहीं तो ये बहुत पहले रिजल्ट दे भी देते हैं। तो अब देखिए 10 से 12 दिन बोले तो इसका जो फर्स्ट वीक है, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में बिल्कुल कंफर्म रहिए आपका मार्क्स आउट हो जाएगा। तो जैसे ही मार्क्स आउट होगा तो उसके 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 दिन से लेकर 20 दिन के अंदर यहाँ पे रिजल्ट भी आ जाएगा, जो कि रिजल्ट डेट हम एग्जैक्ट बताने वाले हैं। और एक वीडियो में हम डिस्कस कर भी चुके हैं इसके बारे में, तो आप लोग जरूर वीडियो देखिए। और हम अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जो NFL का प्लेलिस्ट बनाए हुए उनमें जरूर मैच करवाइए कि मेरा मैच करता है कि नहीं। इस चैनल नॉलेज E24 की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो एग्जैक्ट रहता है कि नहीं। उसके बाद आप लोग क्या करिए कि ICAR टेक्निशियन का भी हमने एक प्लेलिस्ट बनाए हुए, उनमें भी आपका एग्जैक्ट मिलेगा, जिसकी हम गारंटी लेते हैं। और जो जो बताए उम्मीद है कि आपको इसमें जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए आपको अगर कहीं भी इसमें समझ में नहीं आया तो आप लोग क्या करिए कि जरूर कमेंट बॉक्स में करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उस डाउट को भी क्लियर करने वाले हैं। और ये जो हम बताए हुए हैं ये बिल्कुल आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे भी दे दिए हैं, और आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम बिल्कुल दे देंगे। तो इस प्रकार देखिए ICAR का यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन रूल है और किस प्रकार यहाँ पे कट ऑफ जाता है मार्क्स, ये सारे हमने डिटेल्स में यहाँ पे बता चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो लाने वाले हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, जॉब प्रोफाइल के बारे में और डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका मार्क्स आ रहा है वो बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में छटा जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम इसी पे वीडियो लाएंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला होगा, मिल गया तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।